आपका एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक 5 HP की समर्सिबल पनडुब्बी समर्सिबल मोटर आ चुकी है। तो दोस्तों, ये जो मोटर है कस्टमर हमारे पास खुद लेके आया है, हमने अभी इसको बिल्कुल भी चेक नहीं किया है। तो इस मोटर के बारे में कस्टमर का ये कहना है कि ये मोटर पानी कम दे रही है। पहले नई मोटर थी तब ज़्यादा दे रही थी, लेकिन अभी इसका पानी फिलहाल कम होते चला आया है। दोस्तों, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो। तो पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसके एम्पलियर में कुछ अटका हो सकता है। ये जो आप देख सकते हो एम्पलियर, यहाँ पे कुछ अटका हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सामने वाला जो क्रिशिंग है या फिर फ्लैंच है, इसको हम यहाँ से 4 बोल्ट निकाल के इसको निकाल लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। पहला तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एम्पलियर में कुछ अटका है, और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसके अंदर अगर एल्यूमिनियम का लोटर है तो एल्यूमिनियम का लोटर जो है वो फेल हो सकता है, यानी कि खराब हो सकता है। तो उसी की वजह से भी पानी कम आ सकता है। और तीसरा और चौथा कारण है बेरिंग और बुशिंग का, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं पानी के अंदर। पानी कम आने के सिर्फ दो ही कारण है, एक एम्पलियर और दूसरा रोटर, बस यही कारण है। अभी हम क्या करेंगे, मेरा तो उद्देश्य है कि इसका एक तो एम्पलियर में कुछ अटका होगा या फिर इसका रोटर फेल हो चुका होगा अगर एल्यूमिनियम का हो तो। कॉपर का रोटर फेल नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, तो हम अगर नए हैं तो आप लोगों के लिए बता दूं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इस मोटर का शॉर्ट चेक करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको कह रहा हूं मैं, जब भी कस्टमर का कॉल आता है आपको कि मोटर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, तो कस्टमर को एक चीज़ आपको कहनी होती, कि उसको कहना होता है कि पूरी केबल निकाल के हमारे पास ले आइए। ये जो केबल रहती है पूरा सेट, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा सेट है मेरे पास मोटर और केबल का, ये पूरा का पूरा ले आना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुएं के अंदर कितने गहराई तक मोटर चल सकती है, 100 या फिर 150, तो इतनी तो केबल बहुत छोटी होती है, केबल कम होती है। तो ये केबल भी कस्टमर को साथ में ले आने को हमें बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर केबल में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर केबल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। शायद उसका कहना है कस्टमर का कि ये मोटर तो घूमती है लेकिन पानी कम दे रही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही कहना है। लेकिन इसका एक मैं आपको एडवांटेज कह रहा हूँ कि केबल साथ में अगर कस्टमर ले आएगा तो आप उसको जॉइंट यहाँ से ही लगा के दे सकते हो, और वो जाके कस्टमर खुद इंस्टॉल कर सकता है। नहीं तो आपको वहाँ पर जाके इंस्टॉल करना होता है मोटर, अगर वो केबल नहीं ले आता है तब, क्योंकि जॉइंट लगाना तो कस्टमर को आता नहीं। तो इसीलिए तो अब बैठते हैं, फटाफट से टाइम नहीं गवाते। तो पहले दोस्तों हम ये 4 जो नट हैं सामने वाला निकाल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम मोटर का शॉर्ट चेक करेंगे। वो कस्टमर कह रहा है कि मोटर घूम रही है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पहले मैं इसको शॉर्ट चेक करूँगा। शॉर्ट चेक करने के लिए हमने एक पानी का डिब्बा बना दिया है, तो इसके अंदर से पानी आता है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर कुछ इस तरह पानी मैं डाल दूँगा, कुछ इस तरह मैं डिब्बा बना के मोटर के अंदर पानी डाल देता हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको बेरिंग चेक करनी है मोटर को बिना खोले तो कैसे चेक करनी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप है, इस एम्पलियर के बीच में कुछ गैप है, अगर ये एम्पलियर आके इस कट को घिस रहा होगा तो समझ लेना कि उस मोटर की बेरिंग खराब हुई है। तो अभी मैं देखूँगा, एम्पलियर को सामने खींचने की कोशिश करूँगा, इसको घिसाने की कोशिश करूँगा। अगर इसको नहीं घिसता है तो समझ लीजिए बेरिंग अच्छी है, अगर एम्पलियर सामने आके घिस रहा है तो समझ लेना बेरिंग खराब है, क्योंकि बेरिंग का काम होता है कि एम्पलियर को सामने घिसने ना दे। अगर सामने आके एम्पलियर घिस रहा है तो बेरिंग खराब है। तो अभी मैं ये देखता हूँ खींच के इसको, तो दोस्तों इसका एम्पलियर कहीं पर भी घिस नहीं रहा, मैं एम्पलियर को घुमा रहा हूँ और इसका आवाज़ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह कुछ पहचान सकता हूँ कि इसके अंदर की बेरिंग अच्छी है। तो उम्मीद है कि मुझे इस मोटर की बेरिंग अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप है, एम्पलियर कहीं पर भी घिस नहीं रहा। अब ऊपर नीचे ऐसे अगर हम इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे तो हम बुशिंग का पता लगा सकते हैं कि खराब है कि अच्छी है। तो मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये नॉर्मल सा हो रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, नॉर्मल सा हो रहा है, लेकिन बुशिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता पानी के ऊपर। हो सकता है कि थोड़ी सी बुशिंग भी खराब हुए हैं। तो पहले हम इस मोटर का शॉर्ट चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो कि मैंने आपको बताया, ये मैंने बनाया है कंटिन्यूटी टेस्ट, जो कि हमारे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो 2 वायर है हम इसको देखेंगे, ये कंटिन्यूटी, तो अगर ये बल्ब ग्लो होता है तो आपको ये मल्टीमीटर जैसा ही काम कर सकता है, और आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। मैं मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करता, क्योंकि मल्टीमीटर खराब हो जाता है, और मेरा इससे काम चल जाता है, तो मुझे मल्टीमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो मोटर है 3 वायर्स, ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ आपको दिखेगा।
अभी देखिए मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ग्लो हो रहा है, यानी कि इन दोनों की कंटिन्यूटी सही से आ रही है, और इन दोनों की, इन नीले और पीले की भी कंटिन्यूटी सही से आ रही है, और इसकी भी, यानी कि कंटिन्यूटी एकदम सही से आ रही है। अगर आप जानते हैं, अगर आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, ये यहाँ पे पानी आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा था कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि हमारे ये मीटर जैसा काम कर रहा है। तो शॉर्ट चेक करने के लिए हम एक वायर मोटर के एक केबल को लगाएंगे, या तो फिर सभी जो तार हैं वो एक कर दो कुछ इस तरह, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, तो अभी पहले इसके अंदर पानी डालना सबसे ज़रूरी है, तो पानी इसके अंदर डालूँगा मैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तो एक वायर आपको मल्टीमीटर का इसको लगाना, और दूसरा वायर इसके बॉडी को टच करना है जहाँ पे गीला हो। तो यहाँ पे देखिए आप बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा, तो ये मोटर एकदम अच्छे कंडीशन में है, मोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। तो पहला काम हमारा हो गया शॉर्ट चेकिंग का। अब मोटर का सीधा हम ये फ्लैंज खोलेंगे, इससे पहले पानी निकाल देंगे हम इस मोटर का। अब दोस्तों हमने इसके अंदर का पानी निकाल दिया है, अब हम ये सामने वाला जो क्रिशिंग कहते हैं इसको ये निकालेंगे, और फिर देखेंगे एम्पलर के अंदर कुछ अटका है कि नहीं। तो फटाफट से 1 2 3 4 पीछे भी ये आगे 4 नट निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर के 4 जो नट हैं वो सामने वाले निकाल दिए, तो हम इस क्रिशिंग को निकाल लेते हैं। तो ये एम्पर हमारा खुल जाएगा, और देख सकते हैं हम बड़े आसानी से इसके अंदर कुछ अटका है क्या नहीं। तो यहाँ पर कुछ तो अटका दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पर भी कुछ अटका है, और देखते हैं कहीं पर कुछ अटका है क्या। तो ये चीजें हैं कुछ अटकी थी इसके अंदर, तो शायद इससे भी पानी कम आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर होती हैं 5 या फिर 4 या फिर 6 होल होते हैं। अगर इसमें से अगर 3 या फिर 2 होल बूझ जाएंगे, तो 3 होल कितना पानी देंगे। अगर इसमें ज़्यादा होल हो जाते और पानी अगर इसमें कुछ अटकता, तो फिर कुछ नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे होल कम है इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों इसमें जो भी कुछ अटका था, 2 होल पूरे बंद हो चुके थे, वो मैंने निकाल दिए हैं, शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, और शायद यहाँ पर एक कंकड़ा अटक चुका है, शायद मैं दिखा था हूँ आपको निकाल के। तो ये रहा कुछ कंकड़। तो ये एम्पलर के जो मुंह होते हैं इसके अंदर, यहाँ से पानी खींचता है और यहाँ से आउटपुट होता है, तो यहाँ पे कुछ कंकड़ अटक के बैठते हैं, तो इसीलिए पानी कम आता है, शायद ये प्रॉब्लम इसका हो सकता है। अब हम बुशिंग भी चेक कर सकते हैं बड़े आसानी सामने वाली, इसको कुछ इसी तरह हिलाना होता है। इसकी बुशिंग जा चुकी है 30%, लेकिन चलने लायक है मोटर। तो अभी दोस्तों मैं क्या करूँगा, हमारी तसल्ली कि हमें रोटर चेक करना है, तो यहाँ पर 2 नट्स हैं, यानी कि आगे 2 और पीछे 2, और इधर साइड में 2, मतलब टोटली सामने 4 और पीछे 4 नट हैं, ये निकालेंगे हम फटाफट से, और हम इसका रोटर चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम सामने वाले 4 नट निकालेंगे, तो हमारा पूरा रोटर सहित एम्पलर बाहर आ जाएगा, और हम इसको चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं सामने वाला पहला निकाल लेता हूँ। तो हमने सामने वाले 4 के 4 नट निकाल दिए हैं, तो अब हम इसको हल्के से ठोक लगाएंगे ताकि ये निकल जाए। अगर इस बात का ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे कुछ मोटरों को पीछे बेयरिंग होती है, तो जिस मोटर के रोटर को दोनों बेयरिंग है, तो आप सिर्फ सामने का निकाल सकते हो। अगर रोटर को बेयरिंग ना हो, सेपरेट बेयरिंग दी गई हो डबल कार्बन वाली, तो आपको पीछे का पहला निकालना होगा, तभी मोटर खुलेगी। लेकिन मेरे को पता है कि ये जो 2 बेयरिंग है वो रोटर को ही अटैच है, तो ये सामने से निकल जा रहा है। यानी कि दोस्तों मोटर खोलने का सही प्रोसेस यही है कि पूरी नट खोल दो, तो मोटर खुल जाएगी जितने भी आपको दिख रहे उतने। और दोस्तों ये रहा प्रॉब्लम, आप देख सकते हो इस रोटर के अंदर क्या बचा है मुझे बताइए। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, पूरा रोटर एल्यूमिनियम का है, तो यहाँ पे पूरा जो रोटर है एल्यूमिनियम जो है वो फेल हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर के पूरे जो तार हैं
वो कट चुकी है, यानी कि दोस्तों ये मोटर बिल्कुल चल ही नहीं सकती, बिल्कुल धीमे गति से घूमेगी मोटर दोस्तों। और ये मोटर खींचने का कम खींचने का पानी, ये प्रॉब्लम कम है, ये जो इसके अंदर अटका था ये कुछ माइनर बात थी, इतना पानी कम नहीं आता इसके अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी इतने से 20% पानी में फ़र्क आ जाता, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से टोटल 80% पानी में डिफरेंस आ जाता है। ये देख सकते हो आप, ये एल्यूमिनियम का लोटर है तो पूरा ख़राब हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एल्यूमिनियम का निकल चुका है। आपको मैं एक रोटर दिखाऊंगा एल्यूमिनियम का, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि रोटर किस तरह होता है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए कुछ रोटर के इस तरह टुकड़े जो हैं वो निकल चुके हैं, यहाँ पर के जो टुकड़े थे वो निकल चुके हैं। तो मैं एल्यूमिनियम का रोटर आपको दिखाता हूँ अच्छा रोटर किस तरह होता है, और आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे किस पड़ चुका है एल्यूमिनियम रोटर का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटर का पानी कम खींचने के लिए, मुझे डेफिनेटली पता था क्योंकि इसके अंदर शायद एल्यूमिनियम का रोटर हो सकता है और इसी की वजह से मोटर पानी कम खींच रही है। तो लेकिन मैं कन्फर्म नहीं था, मैंने खोल के देखना है कि, मैंने कहा था आपको पानी खींचने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, पहले एम्पलीयर में कुछ अटका है कि नहीं वो देख लीजिए और फिर रोटर चेक कीजिए। अब मुझे पीछे का खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोटर ये ख़राब हो चुका है, हम इसको रिपेयर करवा सकते हैं, इसको एल्यूमिनियम भी रिवाइंड कर सकते हैं और कॉपर में भी रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो इस रोटर को बिल्कुल भी रिपेयर मत कीजिएगा, पहले मैं आपको रोटर दिखाता हूँ फिर इसके आगे इसके सारी बात करेंगे। ये हमारे पास कुछ पुराने मोटर के रोटर्स हैं, इसका भी जो साइड का जो वाइंडिंग है वो भी एल्यूमिनियम का है, लेकिन ये अच्छा है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो, ये देखिए बीच में लोहे का बना हुआ है और साइड में एल्यूमिनियम का है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर एल्यूमिनियम के ऐसे कुछ तारे होती हैं, तो ये जो तार हैं इसके अंदर का और ये इन तारों का एक कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन अगर टूट जाए तो ऐसा होता है जैसे कि हमारी मोटर जल चुकी हो। तो जैसे हमारे मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है सेम उसी की तरह इसके अंदर भी वाइंडिंग होती है कुछ इस प्रकार की, तो ये वाइंडिंग अगर ख़राब हो जाए तो मोटर को बहुत ही दिक्कत आती है रोटर को घुमाने के लिए। ये भी रोटर जो है वो एल्यूमिनियम का है, अगर ये कॉपर का होता तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। मैं अभी एक रोटर दूसरा दिखाना चाहूँगा, वो नहीं है, ये दूसरा रोटर है, ये भी एल्यूमिनियम का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मेरे पास तीसरा रोटर भी है, वो आपको दिखाता हूँ मैं। मेरे पास एक रोटर है, ये भी एल्यूमिनियम का है, आप देख सकते हो, मैंने इसको संभाल के रखा है क्योंकि थे मेरे पास कुछ स्क्रैप के लिए मोटर, तो इसके अंदर का रोटर मैंने निकाल के रखा था। ये भी एल्यूमिनियम का है और ये 3-4 साल के बाद ख़राब होता है ऐसे ही चलने से। और दोस्तों मेरे पास ये जो रोटर है, आप सोच रहे हैं कि ये भी एल्यूमिनियम का है, लेकिन बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कॉपर का रोटर है। अगर ये रोटर इसकी जगह पे होता तो ख़राब नहीं होता। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये कॉपर का रोटर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉपर की कुछ आपको निशानी दिखेंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉपर दिख जाएगा, मैं इसको घिस लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर शायद आपको घिसा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो घिसा हुआ दिख रहा है आपको, ये कॉपर का रोटर है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये ख़राब होता है लेकिन इसको बहुत वक्त लगता है और चांसेस बहुत कम होते हैं इस रोटर को ख़राब होने के। और ये रोटर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, तो इस रोटर का जो साइड में जो कनेक्शन था रोटर का, वो पूरा टूट चुका है, और ये जो कनेक्शन रहता है साइड में कुछ इस तरह रहता है। इसके अंदर कॉपर की रॉड्स होती हैं कुछ इस तरह, और इसके अंदर एल्यूमिनियम की रॉड होती हैं कुछ इस तरह, शायद आपको यहाँ पे दिख जाए, यहाँ पे कुछ होल पड़े हैं, तो ये देख सकते हो यहाँ इसके अंदर एल्यूमिनियम की रॉड होती है। तो ये जो रॉड है इसके अंदर एल्यूमिनियम के है और इसके अंदर कॉपर के हैं, और ये इस रॉड को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसमें कॉपर के रॉड होंगे तो कॉपर का रिंग का यूज़ करते हैं, और अगर एल्यूमिनियम का हो तो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। अगर ये कनेक्शन टूट जाए तो रोटर की गति बहुत ही धीमी हो जाती है। और दोस्तों बस यही प्रॉब्लम है मोटर का पानी कम खींचने का, और कुछ भी नहीं। तो ये रोटर पूरी तरह से फेल हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसको बनवा सकते हैं, लेकिन इसको बनवाने का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई सही तरीका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बनाते हैं उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता है रोटर का, और बाद में बार बार बुशिंग चली जाती है इस मोटर की। तो आप इस मोटर को अगर बनवाना चाहें तो कॉपर में बनवा सकते हैं और एल्यूमिनियम में भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेरी कहे तो इस मोटर को बिल्कुल भी बनाएगा मत। और दूसरी विशेष करके एक बात ध्यान में रखिए, एल्यूमिनियम लोटर की मोटर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम लोटर देखिए उस मोटर का कलर नहीं जा चुका है, तब तक मोटर का रोटर ख़राब हो चुका है, यानी कि दोस्तों कितने फास्ट ख़राब हो जाता है ये रोटर, आप यकीन भी नहीं कर सकते, इतने फास्ट ख़राब हो जाता है कि मोटर का कलर भी नहीं ख़राब होता तब, उसके पहले एल्यूमिनियम का लोटर ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है एल्यूमिनियम का लोटर लेने के बाद। और दोस्तों इसके अंदर का वाइंडिंग तो सही बता रहा है अभी हमें,
चेक करने की भी क्या आवश्यकता नहीं है, तो वाइडिंग तो है ही अच्छी। अभी हम मैं पूछूंगा कस्टमर को कि क्या करना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस मोटर को स्क्रैप में दे दूँ और फिर नई मोटर ले लूँ, क्योंकि इसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो मेरे को बताना। अभी इसका अगर नया रोटर लेने जाऊँ तो उसकी बहुत कीमत है ज़्यादा, और ऐसा ही रोटर अगर नया मिलेगा तो ऐसा ही नहीं बैठेगा, उसके लिए बुशिंग भी लगवानी पड़ेगी और बीरिंग भी लगवानी पड़ेगी, सभी चीज़ें फिर से करना पड़ेंगी और मोटर का बहुत खर्चा आ जाता है। एक्चुअली मोटर की कीमत बहुत कम है और उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आपको हमारी चैनल की सभी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपना और फैमिली का। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।